हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस टाइम टाइम हुआ है सुबह सुबह के 4:30 से 5 बजे का टाइम होगा और मैं लगी हुई हूँ अपनी साफ़ सफाई में। और मैं ही क्या, मेरे साथ में बच्चे भी हैं और ये भी हैं, तो हम सभी लगे हुए हैं क्योंकि इन दिनों साफ़ सफाई का काम इतना फैला हुआ है हद से ज़्यादा। और साफ़ सफाई के चक्कर में रातों की नींद हराम हो रखी है, रात को भी नींद नहीं आती और पूरी रात यही टेंशन होती है कि किस तरह से काम ये निपटेगा। तो यहाँ पर हम बाहर वाले रूम की क्लीनिंग कर रहे हैं और इसी बीच में मतलब थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग सब जगह की चल रही है और अभी प्रॉपर तरीके से एक भी कमरा ऐसा नहीं हुआ है हमारा कि कोई सी भी जगह ऐसी हो जो कि सेट हो गई हो। तो यहाँ मैं कर रही हूँ सोफ़े क्लीन, और सोफ़े क्लीन करने से पहले मैंने जहाँ मुझे सोफ़े सेट करने हैं वहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया है। तो यहाँ ये देखिए, इस टाइम हमने सोफ़े लगा दिए हैं और अब मैं पी रही हूँ चाय। और चाय हम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, बिना नहाए पी लेते हैं और ये हमारी दूसरी चाय हो रही है। इससे पहले एक चाय पी चुके हैं और अब ये दूसरी चाय हो रही है, क्योंकि चाय पी लेते हैं तो थोड़ी एनर्जी आ जाती है। और क्योंकि इन दिनों काम जो है ऐसा चल रहा है, सुबह से और शाम तक लगभग 4-5 बजे तक काम चलता है। और सुबह ये और बच्चे जाने से पहले जैसे कोई भारी सामान का काम है तो वो ये करवा देते हैं, बाकी मैं लगी रहती हूँ, धीरे धीरे करती रहती हूँ पूरे दिन। तो डेली का वो यही रूटीन चल रहा है इन दिनों। और यहाँ देखिए, मैं करने लगी हूँ टाइल्स साफ़। तो टाइल्स साफ़ करने के लिए मैंने एक स्प्रे ले रखा है और उसमें एक लिक्विड, मैंने होम मेड लिक्विड ले रखा है, वो तैयार किया है, तो उससे टाइल साफ़ कर रही हूँ मैं। और तो पहले तो ये लिक्विड डालूँगी और फिर उसके बाद साफ़ कपड़ा लेके और पानी में भिगो के उससे ये टाइल साफ़ कर दूँगी। और वैसे भी इन टाइल्स का कलर ऐसा है कि ये जल्दी से गंदी नहीं दिखती हैं, तो इनका ये फ़ायदा है कि जल्दी जल्दी से क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है इनकी। और इन दिनों दिवाली के टाइम पर तो सारी क्लीनिंग, चाहे गंदी हो या नहीं हो, लेकिन पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो इसी वजह से इन दिनों काम थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है। देखिए, इस टाइम बजे हैं सुबह के 7:30 और हम लगे हुए हैं बाहर वाले रूम की सफाई में। 4:30 या 4:45 बजे लग गए थे। और ये देखिए, इधर ये सोफ़े हो चुके हैं सेट, एक सोफ़ा रह रहा है वो भी साफ़ हुआ रखा है और बेड भी लग गया है। बेड शीट वगैरह अभी नहीं बिछाई है, पूरी क्लीनिंग हो जाएगी तब बिछाऊँगी बेड शीट और सोफ़े कवर। और ये देखिए इधर, अब ये बेड भी ऐसे ही, ये बेड गंदा रह रहा, बाकी सब साफ़ हो गया है। तो अब मैं बनाऊंगी नाश्ता वगैरह क्योंकि ये जाएंगे, और उसके बाद फिर दोबारा लगूंगी अपनी क्लीनिंग में। तो नाश्ता वगैरह करके इस टाइम ये जा चुके हैं, और निक्की भी अपने कॉलेज चला गया है, बंकू स्कूल नहीं गया था तो बंकू घर ही था। तो मैं और बंकू आ गए हैं छत पे और हम धोने लगे हैं कपड़े। और क्योंकि अभी नीचे का काम ऐसे ही फैला पड़ा हुआ था, तो कुछ कपड़े धो के सुखा के मैं फिर नीचे चली गई थी। पर्दे ज़रूरी थे तो पर्दे मैंने इसलिए साथ के साथ धो के सुखा दिए थे। और उसके बाद नीचे जाके फिर हम जो हमारी बाकी की बची हुई क्लीनिंग थी वो करने लगे थे। और यहाँ मैं लगा रही हूँ बंकू की अलमारी में वॉलपेपर। तो ये देखिए, बंकू की अलमारी में मैंने इस तरह से वॉलपेपर सेट कर दिया है, तो इससे थोड़ी सी क्लीनिंग करने में आसानी हो जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस टाइम टाइम हुआ है 4:45 और अभी अभी नहा के आई हूँ मैं। सुबह से साफ सफाई में लगी हुई थी मैं, सुबह लगभग 4:30 बजे से। 4:30 बजे उठे होंगे ना हम, और सुबह और 4:30 बजे से, और अब निमटी है हमारी साफ सफाई। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। कौन? ना मुझे ना। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, और ये भी आ चुके हैं, खाना खाएंगे और मैं भी खाऊंगी। बच्चों ने खाना खा लिया है क्योंकि सुबह जो नाश्ता बनाया था तो उसी में ही पूरियाँ बनाई थी, तो थोड़ी एक्स्ट्रा बना दी थी, वो दोनों बच्चों ने खा ली। तो सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ।
बज चुके हैं 9:30। और अभी अभी मैंने बनाया है एक बैंगल बॉक्स, बिल्कुल लगी जरा, तो एक खाली बॉक्स पड़ा हुआ था मेरे पास, उससे मैंने बैंगल बॉक्स बनाया है। तो उसमें बस एक चूड़ियां टांगने के लिए कुछ कमी रह गई है, तो उसका कुछ जुगाड़ करने में लगी हुई हूँ मैं। और ये है मेरे पास जो पर्दे की रोड जिस पर रुकती है ना, वो हुक होता है, हैंगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो है। तो इससे कुछ जुगाड़ करके, और ये देखिए ये बैंगल बॉक्स बनाया है मैंने, ये देखिए। ये तो कह दो आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ। तो अभी वैसे बैंगल्स लगा के देखती थी, अभी ढंग से लगाऊंगी। तो टांगने का जुगाड़ नहीं है अभी, वैसे ही रखी हुई है ये। तो इसे काट के इसमें से दो करूंगी और फिर इन्हें दोनों साइड चिपका के फिर इस पर एक रोड या फिर कोई एक पेपर रोल का मेरे पास वो रखा हुआ है। चलिए फिर इसे काट लेती हूँ। और चक्कू दूसरा वाला कहाँ है, ये वाला। तो जी इस टाइम बज चुके हैं 10 और काम वगैरह सब कंप्लीट है मेरा। और इस टाइम थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि आज सुबह 4:30 बजे से उठ के और सफाई में लगे थे हम। तो ये देखिए बाहर वाला कमरा दिखाती हूँ, सेटिंग फिर से चेंज हुई है बाहर वाले कमरे की। ये देखिए सोफे और ये देखिए प्लांट दिखाती हूँ अभी। तो ये प्लांट है, यहाँ पे नीचे जो भी सारे पहले लगे हुए थे वो थे पानी के, पानी वाले जो बोतल में लगे हुए थे। और अब ये मैंने गमले लगा दिए हैं यहाँ लाके ऊपर से छत पे से। ये दो प्लांट तो यहाँ पहले भी रखे हुए थे और पर्दे वगैरह सब धुल के लगा दिए हैं। कुल मिला के इस कमरे की पूरी क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट। बस ये अलमारी रह गई है निक्की की, इसे निक्की करेगा कल सुबह। तो चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए अभी मंदिर की भी क्लीनिंग हुई नहीं है पूरी तरह से, ड्रॉर जो है वो साफ कर दी थी लेकिन बाकी नहीं हुई है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।